हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम बिना मिक्सी ग्राइंडर के सिर्फ एक मिनट में एक चम्मच की सहायता से मलाई से मक्खन निकालेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने एक कटोरी मलाई लिया है। डेली का जो हम दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है वही मलाई है ये। अभी अभी मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। अब एक चम्मच की सहायता से हम इससे मक्खन निकालेंगे। सबसे पहले हम मलाई को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। नॉर्मल पानी है ये, ठंडा पानी बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं करना है क्योंकि हमारा जो मलाई है वो एकदम ठंडा था। अब हम चम्मच से इसे लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। आधे से एक मिनट के अंदर इससे मक्खन निकल जाएगा, आप देखिएगा। पहला टिप्स यह है कि यदि आपका मलाई फ्रिज से निकाला हुआ है तो उसमें नॉर्मल वाटर डालना है, और यदि मलाई रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो उसमें एकदम ठंडा फ्रिज का पानी डालना है। अब देखिए आधे मिनट में ही इससे मक्खन जो है निकल आया है। हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर और डालेंगे ताकि मक्खन जो है वो पानी के ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ आधा मिनट का समय लगा है इस मलाई से मक्खन निकालने में। हम हाथों से मक्खन को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं बिना किसी झंझट के। कितने आसानी से आप देख सकते हैं मक्खन निकल आया है। इसे हम एक स्टील की कटोरी में रख लेते हैं जिससे कि हम घी बनाएंगे। सारा मक्खन निकाल लेने के बाद जो दूध बच गया है इसमें हम नींबू का रस डालकर इसका पनीर बना सकते हैं, या फिर इसमें बेसन डालकर हम इसका करी बना सकते हैं चावल या रोटी के साथ खाने के लिए। और ये जो मक्खन है इसे हम गैस पर गर्म करके घी तैयार करेंगे। सर्दियों में घी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज का यह यूजफुल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।